ओके बेटा है? यस सर। ओके सर। ओके। अच्छा बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट्स के बीच अरेंजमेंट तो की मतलब हुंदा है, असी सब तो पहले ओदी गल करते हैं। बेटा इंग्लिश अल्फाबेट्स के बीच अरेंजमेंट तो मतलब है कि जिवें असी मसलन तुसी डिक्शनरी देखते हो, असी सारे ने डिक्शनरी देखी हुई है ना अपने अपने लेवल ते। यस सर। बेटा हाँ जी, डिक्शनरी दे विच जदों कोई अक्षर लिखिया हुंदा या ते उदी अरेंजमेंट बड़ी अच्छी हुंदी है। अरेंजमेंट की अच्छी हुंदी है, तुसी सब तो पहले देखोगे किसी भी डिक्शनरी दे विच, सब तो पहले ए नाम दे शब्द हुंदे ने, फिर बी वाले हुंदे, इसी तरीके नाल हुंदा ना बेटा, देन सी वाले हुंदे, यही हुंदा ना बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी। अच्छा जिहड़े ए वाले शब्द ने उहदे विच भी देखियो, सब तो पहले ए ए वाले शब्द होंगे, फिर ए बी वाले शब्द होंगे, फिर ए सी वाले शब्द होंगे, इसी तरीके ना होता है। अच्छा जी, एक तो भी अगे चलिए, सब तो पहले ए बी वाले, देन ए ए सी, ए ए सी, इसी तरीके दे नाल ए चीज अगे चलदी, इसी तरीके ना चलदी ना बेटा। उदाहरण अज लेके चलांगे, ते रेस्ट जिहड़ा हैगा आ आपां थोड़े जिहे सम्स जिहड़े हैगे उह तुहानूं भी जिहड़ा हैगा होमवर्क लई देवांगे। ठीक है बेटा, सब तो पहले नंबर दे विच है, मैं इत्थे लिखिआ पेंसिल, ठीक है जी, मैं कह रहा हां इफ द पेंसिल इज रिटन अल्फाबेटिकली देन व्हिच ऑफ व्हिच इज द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट। जेकर पेंसिल आ शब्द पेंसिल है ना, इस शब्द नु मैं अल्फाबेटिकल लिखा, ठीक है जी, जेकर इस शब्द नु मैं अल्फाबेटिकल लिखा तो तुसीं इह दसोगे मैनू कि अल्फाबेटिकल लिखण दे नाल पहले तो शब्द नवा शब्द की बनेगा, जिन्होंने कर लिया या बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार देख लो कि किवें करना है। सब तो पहले जेकर आप देखांगे इंग्लिश अल्फाबेट दे विच पेंसिल शब्द जिहड़ा हैगा आ उहदे विच इन्हां सारिआं विच सब तो पहले आएगा सी, ठीक है बेटा, सी तो बाद सी कैंसल हो गया, सी तो बाद आएगा बेटा ई, ठीक है जी, ई तो बाद आएगा आई, ठीक है बेटा, देखो ई भी हो गया आई भी हो गया, आई तो बाद आएगा एल, एल तो बाद आएगा एन, एन तो बाद आएगा टी। सो पेंसिल शब्द नूं जेकर मैं अल्फाबेटिकली ढंग नाल लिखा, अल्फाबेटिकली लिखण दा मेरे ख्याल नाल तुसीं मतलब समझ गए हो, अल्फाबेटिकल दा मतलब हुंदा है कि जिहड़ी चीज अल्फाबेट्स दे विच पहलो आउंदी उहनूं पहलो लिखणा है, ठीक है जी। तो आ चीज मेरे कोल जिहड़ी हैगी आ उह अरेंजमेंट हो गई आ, कि इस अरेंजमेंट नूं तुसीं समझे हो कि किवें कीती गई है। यस सर। ओके, हुण जेकर आ अरेंजमेंट तुसीं समझ गए हां ते क्वेश्चन ए उठता है, वो कहता है यार द वर्ड पेंसिल इज रिटन अल्फाबेटिकली देन सर तुहाडा माइक अनम्यूट कर लो अपने आप नूं। धर्मपाल सर अनम्यूट कर लेना अपने आप नूं, तुहाडा माइक म्यूट हो गया। सज्जे तो खब्बे वल, फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, ठीक है जी, चौथा अक्षर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मेरा आंसर की होएगा बेटा आई।
हाँ मेरा आंसर इज इट ओके और नॉट दसो बेटा सही है कि नहीं सॉरी बेटा मेनू किसे बच्चे की आवाज नहीं आ रही यस सर यस सर क्लियर है बेटा ये चीज यस सर C-O-U-N-T-E-R सेम क्वेश्चन वही है बेटा इफ द वर्ड काउंटर इफ द वर्ड काउंटर इज रिटन अल्फाबेटिकली देन विच इज द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट क्वेश्चन वही रहेगा साडा सब तो पहला कम किया आप पहले इन्हें एक बार फिर देख लेने हैं मैं क्या पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं शब्द काउंटर नु वर्णमाला दी तरतीब अनुसार लिखण ते खब्बे पासो तीसरा अक्षर केड़ा होएगा ठीक है जी सब तो पहला मेरा काम किया इनू अल्फाबेटिकल लिखना सो अल्फाबेटिकल लिखने वास्ते पहले स्टार्ट करते हैं लिखना अल्फाबेटिकल किवें लिखांगे बेटा सब तो पहले शब्द केड़ा आएगा सब तो पहले आएगा सी नेक्स्ट ये आएगा बेटा यार जो सी कैंसिल हो गया ना तो मैं नेक्स्ट आएगा ई जाना पड़ेगा कि जिससे आया ई ई तो बाद आएगा एन 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 तो बाद आएगा बेटा ओ तो बाद आएगा बेटा आर आर तो बाद आएगा टी टी छोटा माइक बंद हो गया सर माइक ऑन करो सर माइक ओके हुण आ रही है बेटा यस सर ओ असल दे विच ना मैं पहले भी गल कीती सी कई बारी कि साडे ना इत्थे थोड़ा जिहा मैं फोन दे कस लगा रिहा अनफॉर्चुनेटली कोई फोन कॉल्स आ जाती है तो फिर थोड़ा जा प्रॉब्लम हो जाता है चलो एनी हाउ मैं ध्यान रखांगा स्कूल की ना होए तुम्हें चीज समय लगी जड़ी चीज मिल गई है बेटा इथे हां जी बेटा क्लियर है चीज यस सर ओके ए आप करिए फिर एक स्टार्ट करिए यस सर एनु देखो ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਖਾ ਸੀਗਾ ਇਫ ਦਾ ਵਰਡ ਕਾਊਂਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਫਟ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਅੱਖਰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਮਤਲਬ 1 2 3 ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ नेक्स्ट क्वेश्चन करके रखिए हुण एक और बेटा यस सर एक एग्जांपल अपन कर लेते हैं जड़ी थोड़ी जी लेंथी हो है ना जिनु थोड़ा जा करण दे विच सानू थोड़ी जी मेहनत करनी पए अपन नेक्स्ट लेते हैं थर्ड वर्ड रिप्रेजेंटेशन री आर ई पी आर ई S E N T A T I O N आ हो गया बेटा रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन नू फिर वही चीज है बेटा क्वेश्चन अपना कि जेकर रिप्रेजेंटेशन वर्ड नू अल्फाबेटिकल लिखिए ता सेकंड लेटर एरे विच थोड़ा जा कॉम्प्लिकेटेड ने किता आपा क्वेश्चन नू बाद विच पढ़ने हां सब तो पहला असी वो काम करते हैं कि इस लेटर नू जेकर असी अल्फाबेटिकली लिखना होवे तो अपना आंसर की आएगा ठीक है जी तुसी सारे बच्चे हुण इस लैटर नूं कॉपी दे उत्ते अपने अल्फाबेटिकली ढंग नाल लिखना शुरू कर दो
मैं इतने ट्राई करता हाँ तुम अपने लैवल उत्ते ट्राई करो ठीक है जी। मेरे लिए सब तो पहले आएगा जी ए, देन मेरे को आया जी ई, एक ई दो ई तीन, एक दो तीन, उस तो बाद मेरे को आएगा जी आई, आई तो बाद आएगा जी मेरे को एन, एन दो जगह हैगा तो मैं एन टू दो बार लिख, ठीक है जी। उस तो बाद आएगा जी मेरे को ओ, ओ तो बाद आंदा जी मेरे को पी, पी तो बाद आंदा जी मेरे को आर, आर आर दो जगह आया तो आर नू दो बार लिखा जाएगा। आर तो बाद आएगा जी क्यों आर एस, एस एक बजेगा या एस तो बाद जरा हैगा लास्ट में आएगा टी, तो टी मेरे को एक दो दो जगह है यानी कि जन्म कट दवा ना मैं आर, ठीक है जी। ये मेरे को रिप्रेजेंटेशन शब्द जरा हैगा या ओदी मेरे को अल्फाबेटिकल सीरीज जड़ी हैगी वो तैयार हो गई है। पहले इन्नी चीज देखो कि इन्नी चीज तुम क्लियर है, सारे बच्चे अपनी कॉपी से बना के इन मैच करके देखो कि उन्होंने ये बन रहा है जो मैं इतने तरतीब बनाई। वेरी गुड बेटा, बाकी भी ट्राई करो। सर बन गया, सर हो गया, हो गया, वेरी गुड बेटा, सर हो गया, सर हो गया, शाबाश बेटा। सब तो होने का क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन देखियो की है, क्वेश्चन है साडे कोल इफ द रिप्रेजेंटेशन इज रिटन अल्फाबेटिकली जड़ा कि मैं कर चुका हुआ है, then which is the second letter to the left of fifth from the right, which is the second letter, second letter keda second letter hai, which is the second letter to the left of fifth from the right, pehlo apan fifth letter from the right chekna hai, sajje passe aaya 1 2 3 4 5 aa ho gaya fifth letter from the right, hun is right to dusra letter khabbe passe, ida khabba passe idhar nu aayega, इसका मतलब एक पहला दूसरा, सो मेरे को आंसर की आ गया ओ। मैं दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देना जो तुम नोट करना चाहते हो ना, इफ द वर्ड रिप्रेजेंटेशन इज रिटन अल्फाबेटिकली देन व्हिच इज द सेकंड लेटर टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ From the right, clear है बेटा? Yes sir. So excuse me. एक बारी फिर repeat करियो। हाँ जी हाँ जी, जरूर जरूर बेटा जरूर। देखो representation शब्द नहीं, statement repeat करनी है कि बेटा question repeat करना है? क्लास खत्म होने बाद प्रैक्टिस कर सको, हजे जेकर असी पूरी कॉन्सेंट्रेशन अपने चीज नूं समझण दे उत्ते लगाईए तां ज्यादा बैटर, की ख्याल है तुहाडा? बिलकुल ठीक है कि नहीं? ओके चलो ठीक है बेटा, ठीक है जी। ते जेड़े कर बेटे जेड़े कर साथी साडे पंजाबी मीडियम वाले हैगे ने बच्चे, उन्हां नूं मैं एक बारी पंजाबी दे विच क्वेश्चन बोल दिंदा कि शब्द रिप्रेजेंटेशन नूं जिहड़ा शब्द दित्ता होया, शब्द रिप्रेजेंटेशन नूं वर्णमाला दी तरतीब अनुसार लिखण ते सज्जे पास्यों पंजवें अखर, सज्जे पास्यों पंजवें अखर दे खब्बेओं दूसरा अखर किहड़ा है? सज्जे पास्यों पंजवा अखर, एक दो तीन चार पांच, पंजवें अखर के खब्बे पासों दूजा अखर कि यानी कि ये खब्बे पासे, एक दो आंसर आया साडे कोल ओ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। हाँ जी हाँ जी यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे को फोर्थ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन देखो हम मेनू क्वेश्चन का पता लग गया
मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट नू बाद च पढ़ांगा। इहदा मतलब यह क्वेश्चन लिखण तो मेरा भाव की आ, सब तो पहले तो मैं यही कहांगा कि इहनू रीअरेंज करके अल्फाबैटिकल ऑर्डर दे उत्ते जिहड़ा हैगा आ आपां लिखीए। हुण सारे बच्चे लिखणगे जी, लिखो ते सिलेक्टिवली कोई एक बच्चा जिहड़ा कंप्लीट हो जाएगा वह मैनू दसेगा कि वह सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, और जो भी बोलेगा मैं उहनू इत्थे नोट करा। ठीक है जी, पहले सारे एक मिनट लगा के सारे बच्चे इहनू नोट करो, अल्फाबैटिकली लिखो बना। हाँ जी बड़ा सर, हो गया हो गया। अच्छा हुण बाकी बच्चे नहीं बोलणगे, जिहड़ी गुड़िया ने हुणी जवाब दिता है उही गुड़िया जिहड़ी हैगी आ उह मैनूं दस्सेगी कि इहदी अरेंजमेंट की होएगी, ते मैं लिखना शुरू करां। हाँ जी बेटा बोलो, पहले नंबर ते की लिखां? सर ए। सेकंड ए हैगा मेरा, दो बारी लिख दित्ता, दो बारी लिख दित्ता बेटा। हुण की लिखां जी? सर ई। वेरी गुड, शाबाश। ई आई, आई आई भी दो बारी है, तो एन में दो बारी देख दूंगा। आई तो बाद की आएगा बेटा? एम। आई तो बाद? एम। की बोल रहे हो? एम। एम, एम आएगा आई तो बाद। एम, एम तो बाद की आएगा? एन सर, एन। एन? ओ। एन तो बाद की आएगा बेटा? ओ सर। ओ, वेरी गुड। ओ तो बाद की आएगा बेटा? टी। टी, शाबाश। सर दो बार सर, एन दो बार सर, एन दो। हां यस, एन दो बार या, सॉरी एन दो बार या, एन तो बाद ओ तो बाद टी, टी तो बाद लास्ट आएगा बेटा एक्स। ठीक है, देखो बेटा मैं ना, मैं जब भी ये सवाल करता है मैं इनकी कटिंग पता क्यों करता, वैसे तो देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता मान लो जो काम होती थी, लेकिन जेकर तुसी नु नाल दे नाल करोगे ना तो तुसी कोई अक्षर मिस नहीं करोगे। ठीक है, एदा फायदा ये होता है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਪੈਨਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਲੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼? ਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਫ ਦਾ ਵਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਫਿਫਥ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ, ਫਿਫਥ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ? ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ, ਆਹ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਲੈਟਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਲੈਟਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਆਫ ਫਿਫਥ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਫਥ ਲੈਟਰ ਦਾ ਥਰਡ ਲੈਟਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਯੈਸ ਸਰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਫਿਫਥ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਈ ਐਲ ਈ ਸੀ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ।
जेडी गुड़िया ने थोड़ी देर पहले बोलिया सी ओ नहीं बोलेगी, कोई दूसरा बच्चा बोले। सर हो गया वेरी गुड। हुण जिहड़ा सेकंड नंबर च लड़के ने बोलिया सी ना सर जी हो गया, वह बच्चा बोलेगा, बाकी बच्चे ने बोलेंगे वन बाय वन बेटा बोलेंगे, बोलेगा बेटा। एक बच्चे ने टी भी बोला सी, गलत है, आई आएगा दो बारी, उस तो बाद की आएगा जी टी एक बार फिर चेक करो, इतने मेरे ख्याल ना बेटा मेरी बुकलेट के क्वेश्चन थोड़ा जहा गलत है, इतने टी आर आई आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी है ना, चेक करके देखो यार सर स्पेलिंग गलत सी। हुण करेक्ट करो जरा इन, हुण करो की आएगा, आर आएगा ना, एल तो बाद की आएगा, एल तो बाद अपना आर आना चाहिए इथे ना। यस सर जान पा दी। हां ए वधिया बणाया, ठीक लग रहा है, ठीक है आज चीज होगी बेटा। यस सर यस। अच्छा हुण कोई बच्चा अपना बैठा होया जिनु हल्ले तक भी ए नहीं पता लग रहा कि इत्तो आपा आ चीज की कर रहे हैं, कोई इधर का बच्चा है मेरी क्लास सिस्टम? नो सर। नो सर। की साडी क्लास से कोई अजीहा बच्चा बैठा होया बेटा जिनु ये नहीं पता लग रहा कि ए की चीज कर रहे हां? नो सर। नो, वेरी गुड। तो चलो बेटा आपा इदा जेड़ा प्रश्न है ओनु देख दिया। वो कहता पे द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी इज रिटन अल्फाबेटिकली, देन व्हिच इज द सेकंड लेटर to the right of third letter from the left, which is the second letter to the third from the left, left and the third letter from the left, left side aaya first second third aa ho gaya mere ko third letter from the left, question ki pucha hone which is the third letter to the left of, sorry which is the second letter to the left to the right of third letter from the left, second letter to the right ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਧਰ ਵੱਲ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਆ ਦੂਜਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਈ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼ਬਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੀਸਰੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਵਾਲਾ ਆਈ ਅੱਖਰ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਟੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
इतो ज्यादा यह सिंपल क्वेश्चन से इतो थोड़ा जा कॉम्प्लीकेटेड पार्ट पूछेगा उस पार्ट नूं पजड़ा हैगा सॉल्व करांगे की तुसी तैयार हो बेटा आर यू रेडी यस सर यस सर ओके 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 ठीक है yes, सब तो पहले हां जी ठीक बेटा एदे विच इत्थे मैं पांच वर्ड लिखण जा रहा हां फर्स्ट वर्ड है बेटा नेचर एन ए टी यू आर ई नेचर सेकंड वर्ड है मेरा नेचर देन न्यूमेरस एन यू एम ई आर ओ यू एस फोर्थ वन इज मेरे एन ए डबल आर ए टी ई एंड फिफ्थ वन इज नेहरू एन ए डबल आर ओ डब्ल्यू ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਈਵ ਵਰਡਸ ਆਰ ਅਰੇਂਜਡ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एज पर डिक्शनरी पढ़ते हैं शब्द कुछ पढ़ते हैं विच ऑफ देम विल कम एट द फोर्थ प्लेस कहने का मतलब यह है बेटा इन्होंने जिम्मे मान लो यह पता सारे लैटर एन तो शुरू होते हैं यानी कि जेकर मैं डिक्शनरी का पेज खोलांगा तो यह गल तो पक्की है सारे एन नंबर के एन वाला वर्ड होगा एन तो बाद मैं तुम्हें की कहा एन तो बाद होगा ए ठीक है जी एदा मतलब एन ए दे विच एक आ भी एन ए आ गया एक आ भी एन ए आ गया एक आ भी एन ए आ तीन आ गए इन तिना दे विचों पहले नंबर ते केड़ा होएगा सब तो पहले गल चलेगी ओदी सब तो पहले केड़ा होएगा बेटा एदे विच देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी ठीक है जी आर पहले आंदा टी बाद चो आंदा एदा मतलब आर पहले आएगा एदा मतलब इना दोनों दे विच आ दोनों दे विचों मैं हदे देखो पंजा दे विचों हजे मैं पहला स्थान नहीं डिसाइड कर पा रहे ठीक है सब तो पहले मैं सारे का पहला अक्षर देखा तो सारे एको जगह से एन सेगा क्लियर हो गया उस तो बाद मैं पता सगा एन ए वाला जो है वह पहले नंबर चाह मैं देखा कि ए भी एन ए है फोर्थ के भी एन ए है फिफ्थ भी एन ए है ठीक है जी उस तो बाद की होया मैं इन भी कैंसल करता क्योंकि फिर मैं तीसरा लैटर देखता तीसरे लैटर दे विच टी आया इत्थे आर है मैनू पता है टी बाद विच आता आर मैनू आता इहदा मतलब चौथे ते पंजवें दे विचों कोई एक पहले नंबर ते होए ठीक है देखिए मैं देख रहा हूं इहदे तीजे नंबर ते भी आर है इहदे तीजे नंबर ते भी आर है इहदे चौथे नंबर ते भी आर है इहदे भी चौथे नंबर ते आर है इहदे पंजवें नंबर ते ए आ इहदे पंजवें नंबर ते ओ है इहदा मतलब ए पहली पोजीशन की तुहानू मेरी पहली गल समझ लगी कि नहीं लगी बेटा यस सर यस सर इट मीन्स जिहड़ा चौथे नंबर वाला शब्द है चौथे नंबर वाला ही शब्द है मैं तो सिर्फ नंबरिंग पाया वो मेरे पहले नंबर थे ठीक है जी आज चीज खत्म हुई यदि मैं अपनी लोकेशन दस चुका जितनी यदि लोकेशन खत्म हुई मैं पता लग गया आज जीत जाएगा क्योंकि इन दोनों का आपस में कंपटीशन ठीक है जो फाइनल खेलते हैं दो जने जड़ा हार जाता वो सेकंड होता जो मतलब एक पांच नंबर जरा सगा किनवे नंबर से आ गया सेकंड नंबर से आया ऑटोमेटिकली क्योंकि ए दोनों इनू हरा के अगे पहुंचे ने एदा मतलब पहला वाला नंबर कैसे आ गया थर्ड नंबर से की तुहानू मेरी पहला दूसरा ते तीसरा ए पोजीशंस क्लियर ने तुहानू यस सर यस सर हुण देखो मैं ही देखना कि सेकंड ते थर्ड दे विचों चौथे नंबर च केड़ा आएगा ते पंजवें नंबर च केड़ा है यानी इन्हां दोनों च पहलो केड़ा आएगा देखो एन क्लियर एन क्लियर यू ठीक है हुण मैं ये देखना कि पहलो आर आंदा या कि पहलो एम आंदा या ठीक है जी जेकर मैनू ये पता है हाँ पहलो एम आएगा कि पहलो आर आएगा बेटा एम सर एदा मतलब तीजे नंबर इत्थे की आएगा थर्ड नंबर दूजे नंबर च की आएगा लास्ट च की आएगा सेकंड नंबर ए मैं इना एक अरेंजमेंट बना के इतने लिख दी या कह लो कि मैं नंबरिंग इन्होंने साइड उत्ते कर ठीक है जी जो मैं ये नंबरिंग कर लवांगा बेटा उस तो बाद मैं ये क्वेश्चन वाल जावांगा क्वेश्चन हुण की है मेरा ध्यान ना सुनियो वो कहता पिया शब्द को जिम अनुसार इन्हों विचों केड़ा चौथे स्थान पर आएगा ठीक है बेटा
चौथे स्थान दे विच केड़ा आ रहा बेटा थ्री थर्ड नंबर ये आ रहा है थर्ड नंबर केड़ा डुमेरस इज दैट क्लियर के नहीं यस सर यस सर क्लियर है तनु के नहीं क्लियर यस सर क्लियर है बेटा क्लियर है यस सर चलो वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड चलो जे तनु सारे नु ए चीजा क्लियर ने ता आप थोड़ा जाए तो आगे चलते हैं हुन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं करिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यस सर हुन मैं ना बार-बार नेक्स्ट क्वेश्चन दी स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा हुन जिने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दे विच मैं आही चीज करनी है जड़ी मैं इत्थे देखो इस क्वेश्चन नु मैं पहले नालो थोड़ा जिहा वखरा क्यों किया सीगा क्योंकि पहले क्वेश्चन दे विच मैनू सिर्फ अल्फाबेटिकल लेवल दे सियाने सिर्फ एक नंबर सीगा इहदे विच मैनू इहना पंजां नु सजाना पैणा आ उस तो बाद मैं इन्हें सीक्वेंस करांगा कि पहले नंबर से किहड़ा आंदा दूजे च किहड़ा तीजे च किहड़ा चौथे च किहड़ा पंजवें च किहड़ा ठीक है जी फिर मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा क्लियर है बेटा यस सर यस चलो आ जाओ बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बाद इहदे भी आपां तीन चार क्वेश्चन करते हैं ठीक है जी देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वन क्लियर चलो हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे Flight, second one, pledge, list, fourth one, panda, and fifth one is Pokemon. सब तो पहले स्टार्ट कर दियो करना राइट नाउ करो स्टार्ट बेटा शाबाश जे किसी बच्चे नूं नहीं समझ लगा हले भी तो मैं ए वाला क्वेश्चन भी करवा सकता है ते अगला क्वेश्चन पूछूंगा दसो मैनूं बेटा सर फर्स्ट फर्स्ट आएगा फर्स्ट नंबर चिकना आएगा फोर्थ वाला सर फोर्थ वाला फोर्थ वन पहले नंबर पे आएगा बिल्कुल सही गलत बेटा शाबाश वेरी गुड सर सेकंड वाला आएगा सेकंड पे सेकंड वाला पहले जो सेकंड वाला क्लच ओके दिस इज सेकंड वन शाबाश सर वेरी गुड वेरी गुड तेज कर रहे हो सर थर्ड वाला थर्ड वन इज कितना वाला बेटा थर्ड वाला फर्स्ट राइट हो गया बेटा शाबाश हुण थर्ड ते फिफ्थ रह गए देखो केड़ा आएगा पहले थर्ड आएगा फोर्थ पे देखो फोर्थ नंबर च केड़ा आएगा थर्ड वाला यस दिस इज योर थर्ड पोजीशन एंड दिस वन हियर एंड फिफ्थ पोजीशन फिफ्थ वाला पोजीशन जी क्लियर हो गया अपन नु सीक्वेंस अपन ने क्लिक किया पहले नंबर पे फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 2 1 3 5 ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 2 5 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਈ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸੋ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 1 3 5 4 2 1 3 5 ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਯੈਸ ਸਰ ਯੈਸ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ रहेगा बेटा फर्स्ट पार्ट सुन रहा है सेकंड स्क्रिप्ट थर्ड पार्ट इज सीजन
fourth part is flight, and your fifth one is surrender. सर थर्ड वाला फर्स्ट पे आएगा चलो मेरे बेटे चलो ये वाला हमने किया आपने बोला फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा सर्दियों दे विच देखुड़े किन्ना प्यार है तेरे लिए हेलो हाँ जी बेटा बोलो सर थर्ड वाला थर्ड वाला थर्ड वाला सर सेकंड वाला आएगा सेकंड वाला आएगा सर सेकंड वाला आएगा सर सेकंड वाला आएगा सेकंड ही आएगा सर सर थर्ड वाला सर थर्ड आएगा सर सेकंड आएगा सी पहले आता है थर्ड वाला आएगा सेकंड पे सर सीजन सेकंड पे थर्ड आएगा सेकंड पे थर्ड आए सेकंड में आएगा थर्ड वेरी गुड शाबाश फोर्थ वाला थर्ड पे आएगा बहुत बढ़िया बेटा शाबाश ट्राई करो और करो अब दो रह गए हमारे उन दोनों में कौन सा आएगा इसकी अरेंजमेंट के लिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको आपको एग्जाम में ऑप्शंस आएंगी कौन कौन सी जैसे यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हूँ 2, 3, 4, 1, 5, 5, 4, 3, 2, 1 C is 3, 2, 1, 4, 5 and your D option is 1, 4, 3, 2, 5 इन्हें जब आप A option उपयोग कर देंगे तो इस साड़ी जरी ऑप्शन जरी पढ़ दिया तो ये मां ठीक है जी is that clear yes sir yes sir आज का जगह मेरा टॉपिक सिखा वो सिखा बेटा इंग्लिश अल्फाबेट्स तो इंग्लिश अल्फाबेट के बीच असी आज की किताब जस्ट एक रिकैपिटुलेशन देखते हैं सब तो पहले असी की किता कि जदों एक पर्टिकुलर सानू एक वर्ड दे दिता गया उस वर्ड नू मैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स दे विच लिखिया ते जिहड़ी भी उहने सानू कंडीशन दित्ती उस कंडीशन दे नाल मैं उहदा जवाब दित्ता ठीक है जी उहनू मैं इंग्लिश अल्फाबेट अरेंजमेंट्स दे सिंपल क्वेश्चन दे विच यूज किया ठीक है जी सैकेंड टाइम जिहड़ा मैनू हुण मैं क्वेश्चन जिहड़ी आपां तीन एग्जाम्पल्स करके दिखियां उन्होंने तीन एग्जाम्पल मैं की देखा कि जरा 1-2 लैके 5 तक सानू पांच डिफरेंट वर्ड दिए हुए थे लेकिन उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स के सिमिलैरिटी की सी कि उन्होंने स्पैलिंग लगभग स्टार्टिंग वाले स्पैलिंग लगभग सेम से मसलन सारे जिमें एस ना शुरू होंगे ठीक है उन्होंने दो तीन जने जे है सी नाल ए नाल शुरू हो गए ताकि हरेक मैंने थोड़ी जी मेहनत करनी पवे तो उस मेहनत के नाल मैं इन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी भाव शब्दकोश के जिहड़ी जिस तरीके उन्होंने सीकुएंस होएगी कि पहले नंबर च कड़ा आएगा दूजे च कड़ा आएगा तीजे च कड़ा आएगा चौथे च कड़ा आएगा उन्होंने सारिया चीजों जो है ठीक है जी मैं उन्होंने करने की कोशिश करा जिम्मे कि इस एग्जाम्पल मैं देखा सगा कि पहले नंबर से सैकंड पार्ट मेरा पहले नंबर सेगा थर्ड मेरा सैकंड नंबर सेगा एदा फोर्थ मेरा थर्ड नंबर सेगा एदा फर्स्ट मेरा फोर्थ नंबर सेगा ते फिफ्थ मेरा फिफ्थ नंबर सेगा ये वाली अरेंजमेंट जो मेरी बन गई उस तो बाद मैं तो तुम्हें यह चार ऑप्शन दी चार पहले टिक होगी लेकिन एग्जामिनर तुम्हें कुछ भी पूछ सकता वो ये पूछ सकता कि टॉप तो थर्ड ऑप्शन कौन सी बॉटम तो सैकंड ऑप्शन कौन सी सब तो बॉटम च कौन है या पहले नंबर से की जाएगा ठीक है जी सो इस तरह के क्वेश्चन जो है ऑटोमैटिकली पूछे जा सकते हैं लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका या ढंग हर बार यही होगा क्लीयर है yes, sir. Yes, sir. So, बेटा मेरे अज के लैक्चर की समरी मैं तुम्हें दस चुका हुआ है अज के इस लैक्चर तो बाद मैं तुम्हें चार फोटोग्राफ जिहड़ियां हैगियां आ क्वेश्चंस दियां सेंड करांगा ठीक है जी ग्रुप्स दे विच ते उन्हां क्वेश्चंस दे विचों कुछ तो आही क्वेश्चन है जिहड़े मैं तुम्हें करवाए हुए ने ठीक है जी ते अज तुसीं करना उस तो बाद कल मैं जिहड़ा हैगा मेरा नैक्सट लैक्चर जो होएगा उस नैक्सट लैक्चर तो पहले मैं तुम्हें इन्हां दी आंसर की भी जिहड़ी हैगी है चारां दी सेंड कर देवांगा ते तुसीं मैनूं जिहड़ा हैगा उहदा जवाब दे दोगे लेकिन इन्हां दे आंसर की मैं सेंड करांगा ठीक है जी जिहड़ी होम असाइनमेंट होएगी मैं सिर्फ उहदी आंसर की तुहानूं सेंड करांगा ठीक है ते मैं उम्मीद करता हाँ तुसी हुण इह जिहड़ा नवां दौर शुरू होया आ देखो डिपार्टमेंट ने साडे लई किन्ना अच्छा काम किया ठीक है जी
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ NTSC ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ NTSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ NTSC ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ NTSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ NTSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ NTSC ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਲੀ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੇ ਪੈਣਗੇ, 1 ਘੰਟਾ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।